यहाँ पे कुछ चलने की आवाज़ सुनाई दे रहा है मुझे। गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैं नागालैंड में हूँ एंड मैं पिछले एक घंटे से ट्रैक कर रहा हूँ एंड वो जो आप पिक देख पा रहे हो मैं वहाँ तक ट्रैक करके जा रहा हूँ। लगभग मुझे 4 to 5 hours लगने वाला है एंड गाइस उस पिक का नाम है जाफू। एंड अगर आपको जाफू के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ, जाफू नागालैंड के सेकेंड हाइस्ट माउंटेन पिक है एंड उसका जो एल्टीट्यूड है सी लेवल से लगभग 3048 मीटर का है। तो या इट्स गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। जॉइन मी इन दिस ब्यूटिफुल एडवेंचरस ट्रैक टू माउंट जाफू। यहाँ पे सब लोग पोटेटो की खेती करते हैं एंड आज संडे है तो कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। सब लोग अपने अपने घर में हैं एंड मे बी चर्च में जाने के लिए वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एंड बहुत सारे घर है इधर। एंड अगर आपको जाफू आना है तो पहले आपको आना होगा दिमापुर से कोहिमा, फिर कोहिमा से आपको आना होगा किग्वेमा। एंड मैं कल सुबह को आया था एंड मुझे किग्वेमा पहुँचते पहुँचते लगभग 2 PM हो गया था तो मैं वहीं पर स्टे कर लिया। वहाँ पर एक बहुत अच्छा सा होमस्टे है, मैं आपको बताऊंगा। ऐसे तो बहुत सारे होमस्टेज हैं किग्वेमा में लेकिन मेरा बेस्ट वाला आपको बताऊंगा डॉन होमस्टे, जो किग्वेमा के मतलब मेन रोड के एकदम सामने है, बगल में है। तो आप लोग वहाँ पे स्टे कर सकते हो एंड वहाँ से लगभग 100 मीटर के दूरी पे जाफू क्रिश्चियन कॉलेज है तो वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। एंड मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 1 घंटा लग जाएगा। एंड मैं सोलो आया था लेकिन जो डॉन होमस्टे के ओनर है उसने मुझे बोला कि यहाँ पे बहुत सारे रोड है तो एक पॉइंट तक मुझे एक आदमी छोड़ देंगे। सो वो भैया, वो अंकल, वो सर आगे जा रहे हैं। ओक, एल्डर, टूना, सिलियटा, चेरी, ओके सो दिस टाइप्स ऑफ ट्रीज आर यू नो दे आर इन दिस ब्यूटिफुल माउंटेन, क्वाइट इंटरेस्टिंग। सब एक छोटा सा घर बना हुआ है, कोई इंसान अंदर में हो सकता है सो आई विल नॉट गो इनसाइड एंड शूट। और आप लोग बाहर से ही देखिए। फ्रॉम हियर यू हैव टू स्टार्ट। ओके ओके सो आई नीड टू फॉलो दिस वे राइट? यस एंड फ्रॉम द मिडिल ऑफ दिस फॉरेस्ट देयर इज रेस्ट हाउस। ओके ओके सो रेस्ट हाउस इज This house is like this. Way to Mount Jaffu, 3048 meters above sea level, biodiversity forest area, Kigwema village. So यहाँ पे दो रास्ता जाता है, एक मेरे राइट के तरफ और एक लेफ्ट के तरफ। ये वाला मुझे फॉलो करना है ये अकॉर्डिंग टू द विलेजर्स जिसने मुझे यहाँ तक रास्ता दिखाया। सो एनी वे अभी मैं कम्प्लीटली सोलो हूँ एंड अभी सोलो ट्रिप का मज़ा आने लग गया है मुझे। सो कोई एक भी इंसान मैं अभी तक नहीं देखा हूँ यहाँ पे। ऐसे तो जितना भी मैं YouTube वीडियोस देखा हूँ पहले वहाँ पे लोग मिलते थे, खेती बाड़ी करते रहते थे लोग, लेकिन फ़िलहाल कोई भी नहीं है। और मैंने इसीलिए संडे का दिन भी चूज़ किया क्योंकि मुझे यहाँ कम्प्लीटली सोलो आना था एंड बहुत दिन से एक्चुअली कहीं मैं घूमने के लिए निकल के गया भी नहीं एंड अपने काम पर व्यस्त था। म्यूज़िक व्यूजिक कर रहा था, अपना प्रोफेशनल वर्क भी कर रहा था एंड मुझे थोड़ा सा अपने आप को फ्री महसूस करना था तो इसीलिए मैं ये ट्रिप पे निकल के आ गया। बाय द वे यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ है, देखिए इन बिटवीन द ट्रीज़ मैं वॉक करके आगे की तरफ जा रहा हूँ।
वो जो ट्रीज दिखाई दे रहा है आप लोगों को वो सब रोडोडेंड्रॉन्स के ट्री है। एंड आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, जाफू पे एक ऐसा रोडोडेंड्रॉन ट्री है जो सबसे टॉलेस्ट ट्री है वर्ल्ड में, जिसका हाइट है लगभग 109 फीट। एंड इसको 1993 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। यहाँ पे अगर सांप बिच्छू जानवर के साथ अगर कन्फ्रंटेशन हो गया तो मैं तो गया, क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो दिस विल बी माय लास्ट ब्लॉग, हालांकि पब्लिश आपको ही करना होगा क्योंकि मैं तो नहीं रहूँगा। जोक्स अपार्ट, ऐसे ही मजाक करते करते हम लोग पहुँच जाएंगे पिक तक। जंगल धीरे धीरे घना होता जा रहा है और जितना आगे की तरफ जाएंगे उतना और घना होता रहेगा। यहाँ पे विजिबिलिटी पूरा लो है गाइस, इट्स लिटरली डार्क हियर, पूरा जंगल है देखिए। अभी मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। लुक एट दिस, पूरा घना जंगल, यहाँ पे धूप भी नहीं पहुँच सकता और मैं पहुँच गया। बेम्बू ट्रीज पे सूखे पत्ते, अलग अलग ट्रीज, अलग अलग पौधे, वाइन्स। अगर यहाँ पे रात को भटक गए तो सोचो कैसा लगेगा, अभी दिन में ही ये हाल है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। किसी का चलने का आवाज़ मैंने सुना, एक सेकंड के लिए डर गया था। वो बर्ड है शायद, ऐसा नहीं लगता है जैसे कि कोई झाड़ियों के बीच में से होके चल रहा है, उस तरह का साउंड मुझे सुनाई दिया। अभी डरावना है यार। तो गाइज आज 17 मार्च को ये पूरे वर्ल्ड में नागालैंड नाम का एक जगह में जाफू के जंगल पे मैं अकेला इंसान ट्रैकिंग करने के लिए आया हूँ। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग गाइज, फॉर मी एटलीस्ट। अभी हुआ है गाइस 7:45, मैं 6 बजे को निकला एंड आगे में मुझे एक रेस्ट हाउस दिखाई दे रहा है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही बहुत टायर्ड लग गया। वो है रेस्ट हाउस, पहले तो वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके बाद देखते हैं रास्ता किस तरफ से है। अब एक झूला लगा हुआ है, चलिए पास में जाके देखते हैं इसको, इसमें झूल सकते हैं कि नहीं।
वाओ। चलिए एक बार बैठ के देखते हैं, गिरना तो नहीं चाहिए पर फिर भी एक ट्राई कर सकते हैं। मैं जंगल में अकेला इस पे लटक रहा हूँ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी है रुलाए। तो गाइस झूला हो गया खत्म, अभी फिर से ट्रैक को शुरू करते हैं। वो रेस्ट हाउस है, वहाँ पे देखते हैं जाके क्या है, क्या कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे लोकल लैंग्वेज पे। तो यहाँ पे ये रेस्ट हाउस बना हुआ है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे आप आग जला सकते हो, अगर ग्रुप के साथ आते हो तो कुकिंग वुकिंग करके आप खा सकते हो चीज़ें। यह रेस्ट रूम, पूरा अंधेरा। ये लोकल वाइन है, चावल वावल शायद कोई यहाँ पे लेके आया था, यहाँ पे छोड़ के चला गया। यहाँ पे ये क्या है, ये शायद बाइबल है, इसको यहीं पे रख देता है। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कुछ नमक वमक है मे बी। तो यही है रेस्ट हाउस में, ऐसा कुछ खास नहीं है, दुकान वुकान नहीं मिलेगा यहाँ पे, जस्ट मतलब एक छोटा सा हट जैसा बना हुआ है, यहाँ पे आप आ सकते हो। तो दो रास्ता बना हुआ है, एक ये है और एक वो है। न्यू वे कंस्ट्रक्टेड टू जाफू पिक बाय, ये कुछ लिखा हुआ है 21-11-67। ओह दिस वे, लुक एट दिस गाइस, यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा ट्रीज है चारों तरफ, ये वाइन्स है, यहाँ पे से एल्गीज लगे हुए हैं सब जगह पे, काफ़ी पीसफुल है यहाँ पे, खाली चिड़िया का आवाज़ सुनाई दे रहा है एंड पूरा घना जंगल। आई होप बारिश ना हो, बारिश होने से बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मैं रेनकोट भी कैरी नहीं करके लेके आया एंड टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगा यहाँ पे। तो गाइस अभी मुझे यहाँ से रास्ता अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, इधर जाना है या उधर जाना है। तो मैं दो टुकड़ा लकड़ी लेके इसको यहाँ पे ऐसे लैंडमार्क के जैसा यूज़ कर रहा हूँ। आई होप मैं सही डायरेक्शन में हूँ, इस तरफ चलते हैं। आई होप ये सही रास्ता हो, बहुत अभी ऊंचाई पे आ रहा हूँ मैं। लोकल सही बोल रहे थे, यहाँ पे भटकना बहुत इजी है, कहीं पे भी भटक सकते हो आप। वहाँ भी एक रास्ता है, मैंने वो नहीं लिया, देखते हैं ये कहाँ तक मुझे लेके जाता है। यहाँ पे भी ट्रीज काफ़ी अलग है एंड ये जगह कंपेरेटिवली ऊंचा है। पे बहुत देख देख के हाथ देना पड़ रहा है क्योंकि सब जगह पे इसे छोटे छोटे इंसेक्ट है एंड मैं कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहता अभी।
माय गॉड, बहुत ऊंची है ये जगह। Look at the view, man. ऐसे पूरा पेड़ पूरा झाड़ियों के बीच में से ऐसे मुझे जाना पड़ेगा अभी, है ना। सुंदर है जगह। मैंने अपना कैमरा अपने हेड स्ट्रैप पे फिट कर लिया है, तो अभी मैं जो देख पा रहा हूँ ठीक उसी तरह आपको भी दिखाई देगा मेरे कैमरे पे। एंड ये जगह देखिए गाइस, काफ़ी ऊंची है। एंड यहाँ पे ट्रीज अलग किस्म के हैं। जो वाला पार्ट मैंने अभी कवर किया वो भी बहुत ही टफ है, एक्सट्रीमली टफ नहीं बोल सकते लेकिन टफ है। आई होप ये रास्ता सही हो। ये तो पूरा नीचे की तरफ जा रहा है, तो मुझे में भी इस तरफ जाना होगा। साढ़े आठ बजने को है एंड आई गेस मैं पहुंच जाऊंगा बहुत ही जल्दी। ये दो बहुत बड़ा पेड़ उसके बीच में से अभी मैं जाऊंगा। ये हाथ देने में दिक्कत होता है क्योंकि सब जगह पे ऐसा इंसेक्ट भरा हुआ ही है, छोटे छोटे वर्म्स। तो गाइस आई थिंक आज आप लोग मेरे साथ मेरा ये जंगल तोड़ एंजॉय करेंगे। किसी ने कॉल किया, मम्मी का कॉल है। एंड गाइस मम्मी ने मुझे बोला था कि पहाड़ पे मत जाओ, लेकिन मैंने मम्मी को बोला नहीं एक्चुअली कि मैं पहाड़ पे ही आया हूँ। हेलो उठी लो, मैं क्या जगह सब बोले आईसू खोज कर ही आसो। हाँ दे हाँ दे खोज कर ही भाग लगे। तो मैंने मम्मी को झूठ बोला कि मैं वॉक तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोला नहीं कि पहाड़ पे आया, नहीं तो मम्मी बहुत परेशान हो जाएगी। तो मम्मी ऐसा ही करती है, मैं जब भी कोई जगह पे घूमने के लिए निकलता हूँ तो मम्मी हमेशा बोलती है कि पहाड़ पे मत जाओ, यू नो, अकेले मत घूमो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट हाँ, मम्मी लोगों का चिंता करना तो जायज़ है, पर क्या करे, ये दिल मानता नहीं है। दिल है कि मानता नहीं। जस्ट मुझे सेफली ये ट्रैक को कंप्लीट करके वापस जाना है, वही है। यहाँ पे दो रास्ता, इधर भी है एक, इधर भी है। मैं इस तरफ से आया तो मैं भटक सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक लैंडमार्क बना लेता हूँ और इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है ना। इट लुक्स गुड। तो मैं इधर से आऊँगा और इसको देखने से मैं ये रास्ता फॉलो करके चला जाऊँगा। यहाँ पे देखिए, मैं दो सेकंड के लिए फ़ोटो खींचने के लिए क्या रुका, मेरे पैंट पे ये वॉर्म्स चढ़ गया, ये इनसे इसको निकालना होगा अभी। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इनटू एनी ट्रबल। जा, ये ब्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है आई गेस, बट अगर आपको एक्सपीरियंस रॉ वाला करना है मेरे ब्लॉग के थ्रू तो देखिए, और अगर आपको बोरिंग सा लगता है तो यू आर फ्री टू स्किप द वीडियो एंड वॉच वट एवर यू वॉन्ट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये ब्लॉग मैंने बनाया है अपना एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए एंड अपना एक्सपीरियंसिस को यू नो कैप्चर करने के लिए, तो सबको ये पसंद नहीं भी आ सकता है। सो इट्स ओके, नो हार्श फीलिंग ऑन डैट। ऐसा नहीं है कि आपको देखना ही है, बट अगर आपको इस तरह के ब्लॉग्स पसंद है, इस तरह के वीडियोस पसंद है, तो आप डेफिनेटली लास्ट तक देखिए, आपको मज़ा आएगा।
गाइस मैं अभी लिटरली चिप्स का पैकेट, प्लास्टिक बॉटल वो सब ढूंढ ढूंढ के आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लैंडमार्क और दूसरा कुछ है नहीं, तो वही एक सहारा है अभी मेरा आई गेस, तो उसी को फॉलो करते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। लेकिन मुझे पिक कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो आज मैं पिक ढूंढ भी पाऊँ या नहीं। जस्ट आई एम बिलीविंग माई सेल्फ कि ये कंप्लीट हो जाए, मैं भटकू ना। How will I cross it? तो मैं यहाँ से उतर के आया अभी एंड मुझे ये रोड मिला बीच में। अभी पता नहीं ये सही डायरेक्शन है कि नहीं, लेट्स फॉलो दिस रोड एंड सी व्हाट इज देयर। हाँ, शायद ये वाला पेड़ मैंने देखा था। यस, यहाँ पे लोग रेस्ट कर सकते हैं अंदर में जाके। ये एक बहुत बड़ा सा पेड़ है एक्चुअली, एंड उसका जो बीच वाला पोर्शन है अभी गुफा जैसा कुछ बना हुआ है। ओह माय गॉड, फीलिंग रिलैक्स्ड, आई एम बिट रिलैक्स नाउ। ये देखिए, तो गाइस मैं अपने साथ एप्पल, ऑरेंजेस, ड्राई केक एंड एग कैरी करके लेके आया था, तो अभी इसको खाने का टाइम आ गया। एक्चुअली अभी मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि मैं सही ट्रैक पे हूँ, अदरवाइज मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि मैं भटक गया हूँ। एनीवे, एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे। It's time for the dry cake. तो बहुत भूख लगा है, एक एप्पल एग मैं खत्म कर चुका हूँ, अभी इसको खाने की बारी है। लास्ट 4 घंटे से मैं नॉन स्टॉप ट्रैक कर रहा हूँ, मैं कहीं पे बैठा नहीं हूँ। एक दो फ़ोटो खींचा बीच में और कुछ सामान जो लाया था खाने के लिए वो खाया, एंड अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। 2 मिनट में यहाँ पे रेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर से वॉक करूँगा। अभी भी मुझे अच्छे से पिक दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, एंड अभी भी बहुत दूर जाना है आई गेस। मुझे 2 रिज क्लाइम करना होगा, एंड सब लोग बोलते हैं बहुत टफ है वो जो 2 माउंटेन रिज है उसको क्रॉस करना। लेट्स सी, अभी हुआ है लगभग 10 AM एंड मेरा प्लानिंग था 10 बजे तक पहुंचना, जो कि नहीं हो पाया, तो कंप्लीट तो करना होगा ऐसे ही। आई होप आप लोग को यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा है तो लास्ट तक देख ही लीजिए, क्योंकि यहाँ तक अगर आ ही गए हो तो अगर पिक नहीं देखा तो वर्थ इट नहीं होगा आपका टाइम। लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स। ये जो हम लोग विक्रम बेताल के कॉमिक्स पे हम लोग देखते थे ना, जंगल, घना जंगल, ठीक उसी तरह का जंगल है यहाँ। इसका ब्रांचेस देखिए, उसका पूरा बॉडी देखिए, कुछ अलग किस्म का है। I'm very tired और ये सब चढ़ना पड़ रहा है अभी। अब तक मुझे ये पूरा ट्रैक पे एक भी इंसान नहीं मिला रास्ते पे।
कितना ऊंचा है यार, लिटरली टायर्ड हूँ मैं। सच बोलूँ तो फट रही है मेरी। ये पहाड़ चढ़ते चढ़ते अच्छे से आवाज़ नहीं निकल रहा है, अटक रहा है मेरा आवाज़, मेरा बात। आप लोग शायद महसूस कर पा रहे हो, मैं इतना तेज़ी से नहीं जा पा रहा हूँ। हर दो तीन स्टेप के बाद मुझे रुकना पड़ रहा है। बहुत ही चैलेंजिंग ट्रैक है गाइस। मे भी मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा फील हो रहा हो यहाँ। मे बी वंस आई रीच द पिक उसके बाद ऐसा फील ना हो, बट अभी के लिए तो मुझे बहुत मतलब एग्जॉस्टिंग लग रहा है ये ट्रैक। और ट्रेल भी ऐसे, ये देखिए पूरा चट्टान उसके बगल में बना हुआ है, नीचे खाई। यार मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं स्लिप नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अगर स्लिप हो तो बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। और अब अगर कोई आ भी गया तब तक मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा गाइस। I don't recommend anyone to come here solo. मैं अभी जितना भी ट्रैक किया हूँ, सबसे अलग सा नज़ारा मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इस तरह का व्यू मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं देखा। ये व्यू काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। और मुझे जाना किस तरफ है अभी? इस तरफ तो खाई है, और इस तरफ देखते हैं क्या है। वाओ, ओ माय गॉड, अभी 10 बज गया और मुझे लगभग 4 घंटे के बाद ऐसा कुछ ओपन व्यू देखने को मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे ये भारत का फ्लैग लहरा रहा है। ओह माय गॉड, बहुत सुकून मिल रहा है। हालांकि ये हाई स्पीक नहीं है, मुझे शायद और ऊपर की तरफ चढ़ के जाना होगा, बट को मैं समझा नहीं सकता हाउ मच हैप्पी आई एम राइट नाउ। ये है व्यू, देखिए। एक रस्सी वस्सी यहाँ पे होता तो अच्छा होता, लेकिन अभी नहीं है तो क्या कर सकते हैं। बहुत ही चैलेंजिंग है गाइस। तो ये जो रूट्स को मैं पकड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, और as I have seen in some videos, आगे में ऐसे थोड़ा सा रिस्की है।
तरफ से जाए, समझ नहीं आ रहा है। ओके ओके वन हो यहाँ पे इसको फिर से चढ़ना है मुझे, और यहाँ पे एक रस्सी लगा हुआ है, आई होप मैं ये कर पाऊँ। ओके इसका मतलब ये तो है कि मैं सही ट्रैक में ही हूँ, अभी मैं भटकने नहीं वाला हूँ। सो अब चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, बैग का साइज अगर बड़ा नहीं होता तो अच्छा होता, लेकिन और आप लोग को बता दूं गाइस कि ना मेरे लेफ्ट शोल्डर पे डिसलोकेशन है, और मैं इसलिए अपना जो लेफ्ट हैंड है उसमें ज़्यादा फोर्स नहीं दे सकता, लाइक पुल अप के जैसा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि डिसलोकेट हो जाता है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, ये प्रॉब्लम मतलब एक्सीडेंटली हो गया था 2000 में भी, 10-11 में, और तब से लेके आज तक ये वाला है यहाँ से शोल्डर का जो जॉइंट है लगभग 250-300 टाइम डिसलोकेट हो चुका है। ये जो हम लोग का जॉइंट है, ये मेरा शोल्डर है, ये जो हाथ है, ये मतलब ऐसे निकल के चला जाता है, तो इसीलिए ऐसे माउंटेन क्लाइंबिंग करना मेरे लिए एक्चुअली ठीक नहीं है। पर फिर भी अभी बहुत साल हो चुका है तो मैं सीख गया हूँ कि कैसे इसको विदाउट डिसलोकेटिंग द शोल्डर क्लाइंब करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले लेता हूँ। और यहाँ पे अभी पत्थर भी बैठा है और बहुत ही ठंडा है, मैं अभी चढ़ाई कर रहा हूँ, उतर रहा हूँ पहाड़ से, तो इसीलिए मुझे इतना ठंडा नहीं लग रहा है, लेकिन ठंडा काफ़ी है। का भी जल्दी से जल्दी मिल जाए और मुझे वापस भी जाना है। ओह फिर से जल चढ़ना होगा, मिल ही नहीं रहा है ये जफ्फू। ओह माय गॉड कहाँ है रे, आई गेस दिस इज द फाइनल लेसन। आई होप दिस इज द फाइनल लेसन। एक पोल लगा हुआ है एंड टू क्लाइम ऑन दैट, अभी वहां तक कैसे पहुंचू, डर लग रहा है मुझे ये जगह पे। कैसे पहुंचा जाए उधर, ये पोल टूटना मत भाई, मेरी जिंदगी अभी तुम्हारे हाथ पे है, और ये बहुत स्लिपरी भी है अभी। अगर मैं ये हेड स्ट्रैप नहीं लेके आता तो मैं इतना शूट भी नहीं कर पाता, और ये पोर्शन पे तो कतई नहीं शूट करता मैं, लेकिन ये हेड स्ट्रैप ने मुझे बचा लिया, और आप लोग को भी मैं दिखा पाऊँगा अभी कि मैं कैसे इतना ऊपर तक पहुँचा। देखिए एवरीथिंग इज़ फॉगी हियर, कुछ भी विजिबल नहीं है। चढ़ना जितना मुश्किल है उतरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है।
क्या नजारा है, कुछ भी विजिबल नहीं है, धूप निकलने से बहुत अच्छा होता है। हाँ कंप्लीट कर लेते हैं ये। आई गेस पहुंचने वाला हूँ। अभी यहाँ से माय गॉड धूप निकल जाओ थोड़ा सा। अबे बहुत विंडी है एंड कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ये एजेस पे चलना होगा फिर से। देखिए यहाँ पे कुछ सपोर्ट भी नहीं है। ओह माय गॉड, हाइट से जिसको डर लगता है यहाँ पे ना आए, सच में बहुत ऊंची है। माय गॉड प्लीज, ओह माय गॉड, लोग एवरेस्ट पे कैसे क्लाइम करते हैं। ओह माय गॉड फाइनली मैं पहुंच गया। पर चलते हैं। इतना हवा तेज है यहाँ पे। पर तक पहुंचते हैं। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कैसा फील हो रहा है मुझे यहाँ पे। सी गाइस दिस इज द लैंडमार्क दैट आई हैव मेड इट टू द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नागालैंड जाफू। हो ओ कुछ अलग सा फील हो रहा है अंदर में जो कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। नथिंग कैन बीट द फील ऑफ कंक्वरिंग द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नागालैंड। ओ माय गॉड नथिंग इज विजिबल, एवरीथिंग इज क्वाइट वाइट हियर, एवरीथिंग इज वाइट हियर, पूरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है गाइस, कुछ भी, लिटरली कुछ भी, पूरा वाइट। हवा बहुत तेज है यहाँ पे एंड मैं अकेला। ओह माय गॉड मैं हंस रहा हूँ। ओह बहुत ठंडा है। टाइम पहले पूरा फोगी फोगी था और अभी थोड़ा सा व्यू खुल रहा है एंड अगर मैं कुछ टाइम रुक जाऊँ तो मे बी धूप निकलेगा यहाँ। सो शो यू कैन यू गाइस बिलीव
आई एम एट ए हाइट ऑफ 3048 मीटर अबव द सी लेवल एंड इसका फील ही अलग है गाइज. ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैंने बहुत एक यू नो बहुत बड़ी चीज़ें कंक्वर कर ली है अपने लाइफ पे. तो पता नहीं नेक्स्ट यहाँ पे कब आऊँ, लेकिन मुझे इस मोमेंट को इन्जॉय करना है, इस मोमेंट को फील करना है. एंड अभी कुछ टाइम मैं यहाँ पे बैठूँगा, कुछ खाना वाना लेके आऊँ, खाऊँगा, फिर मैं रिटर्न चला जाऊँगा. तो ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग. तो अच्छा रहेगा मेरे लिए